ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब 4 मीटर SUVs की बात कर रहे हैं, जिसमें कि दो धुरंधर हैं जिनकी बात करनी थोड़ी सी लाजमी हो जाती है आजकल, क्योंकि दोनों के वेरिएंट फेसलिफ्ट आ चुके हैं और ठीक ठाक से चल भी चुके हैं। कह सकते हैं हम कि अब इनकी समीक्षा करना थोड़ा सा बनता है, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ प्राइस के हिसाब से जो वेरिएंट बेस में है और टॉप वेरिएंट है उनकी बात करेंगे, और उसके बाद इसकी डायमेंशंस और प्रैक्टिकलिटी कि क्या हमें कौन सी कार कहाँ पे सूट करती है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों विटारा ब्रेज़ा और टाटा की नेक्सन। विटारा ब्रेज़ा दोस्तों, जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि इसके पास कभी भी दोनों इंजन की सुविधा नहीं रही, सिर्फ या पेट्रोल रहा है सिर्फ या डीजल रहा है। अब इसके पास केवल और केवल K15 सीरीज़ का पेट्रोल इंजन ही आ रहा है। तो पेट्रोल इंजन आ रहा है, उसकी क्षमता क्या है, उसके हिसाब से टाटा नेक्सन कहाँ बैठती है, उसके पास भी अच्छा खासी परफॉर्मेंस वाला इंजन है तो क्या सूट करेगा वो इंजन इसके साथ, कड़ी स्पर्धा के अंदर खरा उतरता है, तो वो बात करते हैं दोस्तों। पहले बात करते हैं दोस्तों बेस वेरिएंट से शुरू, जैसे कि LXi वेरिएंट आता है पेट्रोल के अंदर ब्रेज़ा, और XE वेरिएंट आता है टाटा का नेक्सन का। बात करो अगर इसकी कीमतों की तो 7,34,000 रुपये की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत बनती है LXi ब्रेज़ा की, और 6,94,000 रुपये कीमत बनती है XE वेरिएंट टाटा नेक्सन की। तो दोनों के अंदर दोस्तों, पहले शुरू करता हूँ बेस वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती हैं। कॉमन चीज़ें हैं पावर स्टेयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज़, ये दोनों के अंदर मिल जाती हैं, लेकिन थोड़े पैसे जो एक्स्ट्रा हमारे लग रहे हैं, जो 40-45 हज़ार एक्स्ट्रा लग रहा है, उसमें क्या हमें एक्स्ट्रा ब्रेज़ा में मिल जाता है, रियर पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, ट्रंक लाइट मिल जाएगी, वैनिटी मिरर मिल जाएगा और रियर रीडिंग मैप मिल जाता है, लेकिन रियर सीट का हेडरेस्ट सिर्फ और सिर्फ टाटा नेक्सन में मिल पाता है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाते हैं हमें ब्रेज़ा के अंदर। और अगर बात करूं एक और फीचर की जो एक्स्ट्रा पैसे देके मिलता है, वो है कीलेस एंट्री, वो हमें सिर्फ ब्रेज़ा में मिल पाएगी। अब बात करूं कॉमन सेफ्टी फीचर्स की तो ABS, ब्रेक असिस्ट, पावर विंडो डोर लॉक्स, 2 एयरबैग्स और दोनों साइड के ORVMs, ये बेस वेरिएंट में दोनों में ही मिल जाएंगे, लेकिन ब्रेज़ा के अंदर हमें डे नाइट का ORVM भी साथ में मिल जाता है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से अच्छी चीज़ है। अगली बात करूँ तो पावर एडजस्टेबल ORVMs भी हमें बेस वेरिएंट से ही मिलनी शुरू हो जाती हैं ब्रेज़ा के अंदर। अगर इंजन्स के ऊपर आया जाए तो इंजन्स क्या क्या परफॉर्मेंस देते हैं, कीमतों की बात अलग हो, पहले परफॉर्मेंस की बात अगर करें तो परफॉर्मेंस के अंदर K15 सीरीज़ का इंजन पेट्रोल के अंदर मिल जाता है हमें ब्रेज़ा में, वहीं पे रेवोट्रॉन का इंजन हमें मिल जाता है हमें टर्बो चार्ज इंजन 1.2 लीटर का नेक्सन में ही। इंजन की स्पेसिफिकेशन देखो तो छोटी हैं, लेकिन इसकी अगर टॉर्क की बात करें, BHP की बात करें, तो उसके अंदर हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। 1462 cc का इंजन ब्रेज़ा, 1199 cc का इंजन यानी कि 1200 cc का इंजन मिलता है हमें नेक्सन के अंदर। और अगर बात करूँ इसकी पावर की तो 103 BHP की पावर 6000 RPM पर जनरेट करती है ब्रेज़ा, वहीं पे 118 BHP की पावर 5500 RPM पर जनरेट करती है नेक्सन। 138 Nm की टॉर्क जनरेट होती है 2400 RPM के ऊपर ब्रेज़ा के अंदर, और 170 Nm की टॉर्क जनरेट होती है 1750 से 4000 RPM के अंदर हमें नेक्सन में मिलती है। 4 सिलेंडर का इंजन हमें मिलता है ब्रेज़ा के अंदर, 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है हमें नेक्सन के अंदर। अगर बात करूँ दोस्तों इसके मैनुअल ट्रांसमिशंस की तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है ब्रेज़ा में, और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है हमें नेक्सन के अंदर। यानी कि अगर कागजों में देखा जाए तो CC की अगर बात करूँ तो CC में काफ़ी हल्की है नेक्सन, लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो कहीं बेहतर मिल जाती है टर्बो चार्जर इंजन के कारण, काफ़ी सारी बेहतरीन पावर फिगर्स मिल जाती हैं नेक्सन में। प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो दोनों गाड़ियां तकरीबन सेम ही तरीके से परफॉर्म करती हैं, टर्बो के कारण थोड़ी सी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है नेक्सन की, लेकिन इंजन बड़ा होने के कारण थोड़ी सी हमें शुरुआती पिकअप भी अच्छी मिल जाती है हमें ब्रेज़ा के अंदर। अगर बात करूँ दोस्तों इनकी वेट के हिसाब से तो वेट में भी तो रेशो का फ़र्क पड़ेगा ही, 1130 किलो की गाड़ी पड़ती है ब्रेज़ा, और वहीं पे 1252 किलो की गाड़ी यानी तकरीबन 80 से 82 किलो में हैवी गाड़ी हमें नेक्सन देखने को मिलती है।
टायर साइज की बात करो, 205/65R16 टायर हमें बेस वेरिएंट के ब्रेजा मिलते हैं, 215/60R16 ये टायर लास्ट तक सेम साइज के चलते हैं नेक्सन के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। माइलेज की अगर बात करूँ तो 18.76 क्लेम की जाती है ब्रेजा के लिए, वहीं पे 14-16 की माइलेज देगी हमें नेक्सन, थोड़ी सी कम है। लेकिन लेंथ की बात करूँ अगर तो 3993 यानी कि 2 mm छोटी है नेक्सन, 1790 का विड्थ है ब्रेजा का और 1811 की विड्थ है, क्लियरली विनर यहाँ पे दिखती है नेक्सन। और आगे चलूँ तो हाइट की अगर बात करूँ तो 1640 हाइट है ब्रेजा की और 1606 हाइट है नेक्सन की। अगर बात करूँ व्हील बेस की तो तकरीबन एक जैसा है, 2500 ब्रेजा का है और 2498 हमें देखने को मिलता है नेक्सन के अंदर। अगर बात करूँ दोस्तों इनकी बूट स्पेस की तो 328 लीटर का बूट स्पेस हमें मिलता है ब्रेजा के अंदर और 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है हमें नेक्सन के अंदर। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल कंडीशंस के हिसाब देखें तो तकरीबन बॉक्सी साइज डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है ब्रेजा में, वो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर लुक की बात करें तो लुक में दोनों गाड़ियाँ ही अलग अलग हैं, वहीं पर जाए कि कॉन्टेम्प्रेरी SUV की लुक बॉक्सी डिज़ाइन के साथ लेके चलती है ब्रेजा, वहीं पे एक मॉडर्न स्टाइलिश डिज़ाइन लेके चलती है नेक्सन। हालांकि इसके बाद भी काफ़ी सारी गाड़ियां आ चुकी, लेकिन इसका अभी माइल्ड लाइफ ही अपडेट मिला है को, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक से कंप्लीट लुक वाली गाड़ी हमें अच्छी सी गाड़ी देखने को मिलती है, जिसकी रोड प्रेजेंस आज भी फ्रेश लगती है। तो अगर बात करूँ दोस्तों इसके ऑटोमेटिक वेरियंट्स की, कहाँ से शुरू हो जाते हैं, VXI वेरियंट दोस्तों आता है इसमें LXI में बेस वेरियंट में नहीं आता, VXI वेरिएंट ऑटोमेटिक आता है जो कि 9,75,000 रुपये का हमें पड़ता है। वहीं पे अगर हम देखें तो बेस से ऊपर के वेरिएंट्स शुरू हो जाते हैं, ये एक खासियत एक अच्छी बात हमें नेक्सन के अंदर मिलती है कि XMA वेरिएंट हमें ऑटोमेटिक में भी मिल जाता है 8,29,000 रुपये का, जिसके अंदर की अच्छी खासी 1,46,000 रुपये की हमें गैप देखने को मिलता है दोनों के ऑटोमेटिक वेरियंट्स में। नेक्सन के साथ दोस्तों एक और खासियत भी जुड़ी हुई है, हर एक वेरिएंट के सिर्फ बेस वेरिएंट को छोड़कर सब वेरिएंट के साथ, चाहे XM हो, XT हो, XZ हो, कोई भी वेरिएंट उनके साथ ऑटोमेटिक की सुविधा जरूर जुड़ी हुई है। तो ये सारी खासियतें थोड़ी सी प्लस पॉइंट लेके जाती हैं नेक्सन की तरफ। अब तो 1,46,000 रुपये हमें फालतू देके क्या मिलता है, ऑटोमेटिक AC ब्रेजा के अंदर मिलता है जो कि नेक्सन के अंदर नहीं मिलता हमें। लेकिन नेक्सन के अंदर एक खासियत है जो किसी भी तरीके से को चाहे टॉप वेरिएंट हो तब भी नहीं मिल पाएगा ब्रेजा में, वो है 3 तरह के ड्राइव मोड्स जो कि प्रैक्टिकली भी कुछ अच्छे खासे से अपनी रोल निभाते हैं। सिटी के, इको के, ड्राइव के जो मोड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी सुविधा देते हैं हमें, जो कि किसी और गाड़ी में हमें नहीं मिलती। कीलेस एंट्री दोनों गाड़ियों में मिल जाएगी हमें। और इसके बाद अगर बात करूँ दोस्तों इसके सेफ्टी पैक की तो वही है जो पहले मिलता है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमें नहीं मिलता। अगर बात करूँ दोस्तों इनके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो यहाँ पे CD प्लेयर वाला AUX AM/FM ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वाला एक सिस्टम मिल जाता है हमें ब्रेजा में, वहीं पे हमें 3.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है हमें, जिसके अंदर CD प्लेयर नहीं है नेक्सन में, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमें AUX की इनपुट और AM/FM ब्लूटूथ की सारी चीज़ों की हमें कनेक्टिविटी साथ में मिल जाती है, और साथ में वॉल्यूम कंट्रोल उसके स्पीड डिपेंडेंट मिल जाता है। ये थोड़ी सी और खासियत इसमें जुड़ जाती है। अगर बात करूं दोस्तों इसके स्पीकर्स की तो 4 स्पीकर दोनों के अंदर मिल जाते हैं। रियर वाशर वाइपर सिर्फ ब्रेजा में मिल पाएंगे हमें, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ खास में जुड़ी हुई है, इसका थोड़ा सा एडवांस हमें देखने को मिलता है ऑटोमेटिक जो कि नेक्सन में जुड़ा हुआ है, वो है 6 स्पीड का। ब्रेजा के अंदर हमें 4 स्पीड का ऑटोमेटिक मिलता है। टॉप वेरिएंट की बात करता हूँ दोस्तों, जो टॉप वेरिएंट इनके आते हैं जिसमें फुल बेल्स एंड विसल्स आती हैं, उसकी अगर बात करो तो ZXI प्लस डुअल टोन का वेरिएंट 11,40,000 रुपये का है। वहीं पे हम XZ प्लस ऑटोमेटिक की बात करें जो कि डुअल टोन के साथ वो भी आता है, वो 11,20,000 रुपये का पड़ता है, यानी कि 20,000 का फ़र्क हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी अलग क्या होती है गाड़ी, इसमें रियर AC वेंट मिल जाते हैं नेक्सन में, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर मिल जाएगा नेक्सन में, 3 ड्राइव मोड्स, हरमन का म्यूज़िक सिस्टम, फ्लोटिंग डिस्प्ले उसके अंदर आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। लेकिन अगर देखें स्मार्ट प्ले स्टूडियो भी हमें कम नहीं मिलता ब्रेजा के अंदर भी, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ दोनों ही गाड़ियाँ आती हैं। रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, सब कुछ दोनों में कॉमन है। लेकिन जो 2 ड्राइव मोड्स हैं और 4 स्पीकर या 8 स्पीकर हमें मिल पाते हैं नेक्सन के अंदर, ब्रेजा में सिर्फ 4 स्पीकर से गुजारा करना पड़ता है। और बात करो एक और खासियत की कि जिसके अंदर हमें सनरूफ की सुविधा सिर्फ और सिर्फ अभी हमें ब्रेजा में नहीं मिल पाती, नेक्सन में मिल पाती है।
ये हमें 20,000 रुपये कम दे के भी मिल रही है। और जो हरमन का बीपी सिस्टम है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं कि ये वाली गाड़ी नहीं, कई ज़्यादा और महंगी गाड़ियों के साथ भी कम्पीट करें तो नज़दीक कहीं नहीं गाड़ी टिकती कोई। तो दोस्तों प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो सारी चीज़ों को देख के हमें ये देखने को मिलता है कि वैल्यू फॉर मनी पैकेज के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ी सी बेहतर हमें नज़र आती है टाटा नेक्सन अभी भी। हालांकि महंगी हो गई है फिर भी हमें देखने को थोड़ी बेहतर लगती है। मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूँ, जैसे मैंने गाड़ी चला के देखी तो सिटी ड्राइव के अंदर देखें तो थोड़ी सी मेरे को बेहतर लगती है ब्रेज़ा, क्योंकि शुरुआती पिकअप बहुत अच्छी है उसकी। K15 सीरीज़ का जो इंजन है वो साइलेंट है, स्मूथ है, 4 सिलेंडर का इंजन है, तो हमें वो वाली चीज़ हमें बेहतर नज़र आती है सिटी ड्राइव के अंदर। अगर हम हाईवे पे जाते हैं, गांव देहात में रहते हैं, खट्टे बड़ी सड़कें हैं, तो हमारे पास आज भी एक बेहतर विकल्प है टाटा नेक्सन, क्योंकि उसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। रही बात के शीट मेटल की, फ़र्क उसकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन शीट मेटल आज भी बेहतर है टाटा नेक्सन का। तो इसकी वर्डिक्ट यही निकलता है दोस्तों कि अगर आपको ओवरऑल एक पैकेज अच्छा चाहिए जिसके अंदर की आपको सारी सुविधाएं साथ में मिल जाएं, और इंजन की थोड़ी सी परफॉर्मेंस का जरूर फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी सी माइलेज कम है, तो खड्डे भरी सड़कें, देहात वाली सड़कें, या सस्पेंशन अच्छा चाहिए, 3 ड्राइव मोड्स चाहिए, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए, तो आप जाए नेक्सन के ऊपर। इधर आपके लिए ब्रेज़ा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप रीसेल वैल्यू के हिसाब से देखें या एक सिटी ड्राइव के हिसाब से बेहतरीन गाड़ी देखें, और रख रखाव के खर्चे में थोड़ी सी कम पड़ती है आपको ब्रेज़ा। इधर इतना कोई डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन दोनों का खर्चे में अगर देखें और सर्विस क्वालिटी की बात करें तो बेहतर मिलेगी मारुति सुजुकी में। तो बताइएगा दोस्तों ये अपडेट आपको कैसी लगी, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है वो भी मेरे को बताइएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।